अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक अफसोसनाक मजीद खबर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बजट 2020-21 के हवाले से बताता चलूँ कि सबसे पहले केपीके के एम्प्लाइज़ के हवाले से जब बजट पास हुआ तो उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और ना ही पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया गया। इसी तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को भी इग्नोर कर दिया गया और ना ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और ना ही रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा किया गया। और आज की डेट में वफाकी सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अपडेट देता चलूं कि वफाक का बजट भी पास हो चुका है, जिसमें रात जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दावत की थी अपनी इत्तेहादी पार्टियों की और बजट मंजूर करवा दिया गया है। और इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। जितनी भी इस हवाले से अपोजिशन ने और हुकूमती अरकान ने नोटिस दिलाया था और अपनी तजावीज़ दी थी, किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई गई और वफाकी बजट 2020-21 को मंजूर कर लिया गया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट के हवाले से तो यकीनन आप भी परेशान होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के हवाले से आपको ये न्यूज़ दी थी। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।